तो चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर का। दरअसल मिशन 2019 के लिए अमित शाह का रोड शो कुछ ही देर में यहां पर शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के यहां पर प्रत्याशी हैं और उसी के समर्थन में ये रोड शो निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंच चुकी है, कई दिग्गज भी यहां पर बीजेपी के पहले से ही मौजूद। और अमित शाह दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले वो यहां पर रोड शो करने वाले हैं। वही मेरी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तैयारियां किस तरीके की है ये उनसे जान लेते हैं। कितनी देर में अदिति ये रोड शो शुरू होगा और कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं जहां से गुजरेगा और कितनी देर यहां पर अब लगेगी? ये जो दंगल आज ये इसको असली दंगल कहा जा सकता है क्योंकि जोधपुर जो है वो प्रतिष्ठा की बात है दोनों ही पार्टियों के लिए और ये रणभूमि बन चुकी है जहां पर आज अशोक गहलोत भी यहां पर है और 56 मीटिंग्स आज जो संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, 56 मीटिंग्स एक दिन में। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले रोड शो कोटा में करने वाले थे लेकिन क्योंकि जोधपुर एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर संघ या केंद्रीय नेतृत्व या तमाम लोग इस तरीके से जुटे हुए हैं तो आखिरकार ये रोड शो जोधपुर में हुआ। हालांकि अगर जोधपुर के रोड शो की लंबाई की बात करें तो 1 किलोमीटर से भी कम का ये रोड शो होने वाला है और कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जालौर से जोधपुर पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कुछ तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से हम जहां पर खड़े हैं वो भाजपा ही रंग में रंग चुका है और गांधी मैदान में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर महिलाओं को अगर देखें तो भाजपा ही साड़ी में यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का। और अब कुछ ही देर में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बच्ची जिसे भाजपा कपड़े जो पहने हुए हैं उनको गोदी में लिया है। ये उत्साह है लोगों का और देखने ही बनता है लेकिन देखना होगा कि कितनी भीड़, क्योंकि अब अगले 3 दिन अशोक गहलोत भी यहाँ पर होने हैं। दोनों ही प्रत्याशी मैन टू मैन मार्किंग में लगे हुए हैं और सबसे बड़ा जाति समीकरण की बात तो है ही लेकिन यहाँ पे युवाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी युवा हैं, एक 5 साल के सांसद रह चुके हैं, केंद्र मंत्री रह चुके हैं, वहीं वैभव गहलोत अपने आप को 15 साल का अनुभव बताते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव एक सीएम के सामने है और इसीलिए टफ है। सच यही है कि टक्कर कांटे की है और अब जैसे जैसे चुनावी डेट पास आ रही है वैसी परवान सिर चढ़ चुका है और आज जो रोड शो होगा उस रोड शो के बाद देखना होगा कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी है, कितना प्यार यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मिल रहा है, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ देर में हम आपको गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात करने कराने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, वसुंधरा राजे, तमाम लोग इस ट्रक पर जो ट्रक के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो रथ है जहाँ पर ये शुरू होने वाला है, वो तमाम लोग इस रथ पे होने वाले हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए वोट मांगने की अपील यहाँ पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी आकर सभा करके गए थे तो प्रेस्टीज का सवाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए भी है। ऐसे में देखना होगा दिलचस्प कि क्या कुछ यहाँ पर फैसला होता है लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये उत्साह देखने को बन रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंच चुके हैं और अब कैसे युवाओं को अपने पास लुभा लिया जाए, महिलाओं का वोट हो और अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो अगर जाट वोट किस तरफ बैठता है वही बताएगा कि किस तरफ ऊंट करवट लेगा। हम आपको थोड़ा बाहर की तरफ ले चल रहे हैं जिस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर पूरा चाक चौबंद करी है एयरपोर्ट से लेकर जो गांधी मैदान है और गांधी मैदान से लेकर जो आगे ये जहां तक जाएगा वहां तक पूरी तरीके से जालौरी गेट है जहां पर ये खत्म होगा रोड शो। और देखिए किस तरीके से राजस्थानी और यहाँ का जो कल्चर है वहाँ के लोग यहाँ पर अमित शाह का स्वागत करने पहुंचे हैं और अमित शाह का स्वागत यहाँ पर होगा। कैसे ये लोग भीड़ आप देख सकते हैं कि करीब 20-30 हजार लोग हैं जो अभी फिलहाल इस रोड शो में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक अमित शाह नहीं आए हैं, अमित शाह के आने के बाद का नजारा कुछ और होने वाला है। और ये ऊंट है किस तरीके से राजस्थान की जो
आपको देखें राजस्थान का जो यहाँ पर कल्चर है ये दिखाएंगे, पश्चिमी राजस्थान का जो कल्चर यहाँ पर ऊंट है, जिस तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं, ये तमाम चीज अशोक अमित शाह को तो लुभाने के लिए है, लेकिन अमित शाह का स्वागत सत्कार यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति से किया जाएगा। और यही लोग हैं जो पगड़ी पहनकर, भगवाई पगड़ी पहनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत दिलचस्प ये मुकाबला जोधपुर का, और 29 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की बात अशोक गहलोत के लिए है तो प्रतिष्ठा का सवाल अमित शाह के लिए भी है, क्योंकि अमित शाह के फेवरेट मंत्रियों में से, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सबसे चहेते मंत्रियों में से गजेंद्र सिंह शेखावत को गिना जाता है। और ये पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये डांस और लोगों में उत्साह, ढोल नगाड़े, राजस्थानी तमाम चीज़ें। अब कुछ देर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आएंगे तो वो खुद इस भीड़ को, इस उत्साह को देखकर भांप जाएंगे कि 29 तारीख को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी या कांग्रेस। लेकिन अशोक गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक दी है, तो वहीं अशोक गहलोत भी मैन टू मैन मार्किंग करने में पीछे नहीं चूक रहे हैं। और देखिए जो यहाँ का रिजल्ट होगा, वो जो भी जीत कर भी आएगा जो पश्चिम राजस्थान से, वो जरूर केंद्र में मंत्री बनेगा अगर एनडीए की सरकार आती है। और वही बात कांग्रेस के लिए भी जो है लागू होती है, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अशोक गहलोत केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के रूप में देखे जाते हैं, देश के बड़े ओबीसी नेता के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये सीट, और आज से नहीं करीब 35 सालों से अधिक के समय से यहाँ पर सांसद, 5 बार के सांसद हैं अशोक गहलोत, तो यहाँ पर जो सियासी लड़ाई है, जो गढ़ है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हालांकि बात जयपुर ग्रामीण के भी नाक की लड़ाई है, लेकिन जोधपुर, क्योंकि अशोक गहलोत के पुत्र जब से यहाँ पर चुनावी मैदान में आए हैं तो जो तड़का है वो ज्यादा यहाँ पर लग चुका है, देखने ही बनता है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, और एक उत्सव की तरह आज ये रोड शो नजर आ रहा है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि मुद्दे यहाँ पर तमाम पार्टियों के रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जनता किस मुद्दे को देखकर, किस एजेंडे को देखकर यहाँ पर वोट करेगी वो आने वाला वक्त यहाँ पर बताएगा। फिलहाल शुक्रिया अदिति, आपका रुख